हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि सी टेट या स्टेट टेट के एस्पेक्ट से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। विष्णु चिंचालकर जो थे वो सूखे पत्तों से काफ़ी अच्छी चित्रकला बनाते थे और ये इंदौर के रहने वाले थे। सेकेंड क्वेश्चन है, हांगकॉन्ग में लोग सांप से बना पकवान लिंग हु फेन खाते हैं। नेक्स्ट है, कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। थर्ड इज़, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये मैना और उल्लू से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैना के बारे में ये है कि मैना जो है अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। भोजन पकाने के कुछ प्रमुख तरीके हैं, जैसे कि भून कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है उसे भाप में पकाना। ब्रेल लिपि के खोजकर्ता कौन है? लुई ब्रेल ब्रेल लिपि के खोजकर्ता हैं और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है, जो कि मोटे कागज़ पर उभरे हुए होते हैं बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। इन घरों को मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनाली में घर जो होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बनाए जाते हैं। राजस्थान में घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। नेक्स्ट, डल झील और हाउस बोट ये कहाँ देखने को मिलते हैं? डल झील कहाँ पर है और हाउस बोट कहाँ पर मिलते हैं? दोनों ही कश्मीर में मिलते हैं। बज्जू गांव राजस्थान में है। वल्लम लकड़ी की एक बनी छोटी नाव होती है जो कि केरल राज्य में देखने को मिलती है। जुगाड़ ये गुजरात में देखने को मिलता है। ये एक तरह की गाड़ी होती है या आगे से देखने पर मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जो जानवरों की खाल जानवरों पर हमको डिज़ाइन दिखाई देती है उनके बालों पर, वो उनके बाल होने के कारण ही होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। अब इतना ज़्यादा खाएगा तो बहुत ज़्यादा टहलता है वो और बहुत कम आराम करता है। तो हाथी बहुत कम आराम करता है और 2-4 घंटे ही सोता है। 3 महीने के हाथी का वज़न 200 किलोग्राम के लगभग होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।